आप भी पार्ट थ्री का एग्जाम फॉर्म भरे हैं, आपका भी इस तरह से देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, फोटो सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है, नीचे भी देख सकते हैं सिग्नेचर कैंडिडेट का शो नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे कैसे आपका फोटो सिग्नेचर लाएंगे और कैसे फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो उसको सुधार करेंगे और पेमेंट कर जाने के बाद क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल दीपक टॉक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ LNNU पार्ट थ्री का जो एग्जाम सब फॉर्म भरा रहा है उसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं रहा उसके बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है किसी भी ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और डेस्कटॉप मोड में इसे ऑन कर लेना है। और डेस्कटॉप मोड में इसको ऑन करने के बाद सिंपली हम आपको दो स्टेप में बताएंगे कैसे आप जाते हैं साइट पर। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइप करना है LNMU, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के LNMU टाइप कर देंगे, उसके बाद सर्च वाले पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं आपका डायरेक्ट मिथिला यूनिवर्सिटी का साइट खुल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, नीचे जाते हुए इसमें जाना है आपको न्यूज वाले सेक्शन में, देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज वाले में। उसका थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ होगा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर पार्ट थ्री सेशन 19 से 22, सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं इसमें रोल नंबर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी रोल नंबर कहाँ डाले तो सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप साइड में कर देंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा प्लीज़ इंटर रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने पर के बाद कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा कोई सा भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, इस मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर नीचे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ इंटर OTP, तो सिंपली आपको इसमें OTP जो आएगा मोबाइल नंबर पे जो नंबर देंगे उस पर, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ ट्रिक दिस बॉक्स टू अपडेट योर डिटेल आफ्टर पेमेंट, तो पेमेंट करने के बाद जो आपको डिटेल जो कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो सही करना चाहते थे इस पर टिक कर देंगे। और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया है तो सिंपली इस पर लॉगिन कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, इनका फॉर्म में ये हुआ है कि इनका फोटो सिग्नेचर शो नहीं कर रहा था, तो सिंपली देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फटाफट इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर शो करके बता देते हैं। तो सर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, उसमें फाइल में जाएंगे, इसको जहाँ भी फ़ोटो होगा आप चूज कर लेंगे उसमें अपलोड कर देंगे, फिर सिग्नेचर वाला में चूज करेंगे, उसके बाद फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद सिग्नेचर इसमें अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ सब कुछ सही रहे देख लेना है आपको, उसके बाद अपडेट वाले पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं इसमें मोबाइल नंबर मांग रहा है फिर से, तो फिर से जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे, उसके बाद देख लेंगे सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही हो तो इसमें अपडेट वाले पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों आपका पेमेंट रिफंड जाता है तो 72 घंटा रुक जाना है। और देख सकते हैं इसमें डिटेल अपडेट सक्सेसफुल, इसमें डिटेल है जो आपका अपडेट कर दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट चला गया है। और देख सकते हैं यहाँ फोटो सिग्नेचर आ गया है, नीचे सिग्नेचर आ गया है, तो दोस्तों आप इसको प्रिंट कर लेंगे और कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों का पेमेंट कट जाता है वो प्रिंट का ऑप्शन नहीं देता है तो वो 72 घंटा रुक जाए, 72 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों दोबारा पेमेंट नहीं करना है आपको, सिंपली छोड़ देना है उसको, उसके बाद 72 घंटे के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट है वो जो वहाँ से कर दिया जाएगा। दोस्तों दोबारा पेमेंट नहीं करिए। मिथिला यूनिवर्सिटी की पल-पल अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद दोस्तों।